इस्तीफा देने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई। महागठबंधन में से आरजेडी कहते थे हम ए टू जेड की पार्टी है, लेकिन हम लोग आप देख रहे हैं ए टू जेड की पार्टी ये नहीं है, ये सिर्फ परिवारवाद की ही पार्टी है। अब परिवारवाद में ही ये सिमट गए हैं। अगर परिवारवाद नहीं होती तो शायद आज हम लोगों को वहाँ से निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज कितना खून पसीना गाढ़ी कमाई मेहनत से हम लोग उस पार्टी को सींच के यहाँ तक लाए। कभी हम लोग दम नहीं मारे, रात क्या हो दिन क्या हो पटना से लेकर पूर्णिया तक हमेशा सभी कार्यक्रम में लगे रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वाकांक्षी आशा रखने वाले व्यक्ति जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उन्हें कैसे दूर किया जाए कैसे साइड किया जाए ये हमेशा बड़ी पार्टी यहाँ चली रही। हम तो सोचे थे कि यहाँ हम आए हैं इस संगठन को बहुत मजबूत कर लेंगे, आज हम मजबूत नहीं कर पाए। आज इस बात का बहुत तकलीफ हो रहा है हमें। जैसे आरजेडी में से एक दल नहीं चल रहे, कई दल चल रहे हैं, सब में अपने तरफ चलता है, जो आगे बढ़ता है उसका पैर कैसे खिसा जाए इसकी भी बड़ी पार्टी यहाँ चलता रहा। देखते क्या है, जो खून पसीना से सींचते हैं, जो कार्यकर्ता यहाँ मेहनत करते हैं, वो कार्यकर्ता ज्यों का त्यों धरा रह जाता है। अब पैरासूट से जो है धन पशु आ जाते हैं। यहाँ तो हम लोग को लग रहा है गरीब कार्यकर्ता की यहाँ जगह नहीं है, यहाँ धन पशु का ही जगह है। पैरासूट से आते हैं चाहे किसी दल में रहे, दूसरे दल में रहते हैं और वो चले आते हैं, और जो मेहनत करके यहाँ रहते हैं वो नकारा चला जाता है। झंझारपुर जैसे जगह हम लोग जो देवेंद्र बाबू साथ आए थे वैसे महान कार्यकर्ता थे, आज महान कार्यकर्ता के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, उनका टिकट कैसे कट गया ये देखने की चीज़ है। आप ले लीजिए कन्हैया कुमार को ही ले लीजिए, वैसे व्यक्ति थे कैसे उसका टिकट कट जाता है। टर्म कहिए कि साहेबुद्दीन साहब ता उम्र अपना जीवन वहाँ बिता दिए, लेकिन उसके मरने उपरांत एक भी कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करने गए। इसके बाद वहाँ वर्क भी रखा गया, कार्यक्रम रखा गया, उनके परिवार से संबंध भी नहीं साधा गया। लोग ये कहते हैं साझेदारी की बात, आज तो मुसलमान को भी टिकट देने की अगर बात कहिएगा तो टिकट क्या दिए, पूरा दो टिकट। अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है उसकी उतनी साझेदारी होती है, उसको उसी हिसाब उसका हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्या उसका हिस्सेदारी दो ही टिकट है? अब हम तो कहेंगे वो टिजोटी पार्टी कहते हैं, यहाँ तो माई समीप उनको भी ये बंधवा मजदूर बना दिया, ये समीकरण की बात करते हैं, ये बंधवा मजदूर बना कर रख दिए। उस स्थिति में हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? परिवारवाद से अगर कहीं बढ़े हैं तो बता दीजिए, एक भी व्यक्ति नहीं बढ़ा। ये मनुवाद की बात करते थे, हम तो कहते हैं मनुवाद नहीं, अब मनुवाद में चले गए, मनुवाद नहीं है। अगर मनुवाद में नहीं जाते तो ये आज नहीं जाना पड़ता। आज बुलो मंडल जैसा व्यक्ति आज उसने भी इस्तीफा दे दिया, आज देवेंद्र प्रसाद यादव जी कल भी हमारे इस्तीफा दे दिए, आज हम लोग भी सारी कार्यकर्ता के साथ इस्तीफा दे रहे हैं, जिसमें आपका जिला सचिव ये रह चुके हैं, आपका किसान प्रकोष्ठ का जो है ये जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, वो प्रधान महासचिव जिला का मिथिलेश दास जो है आपका वो रह चुके हैं, आप ये साथ बाकी जितना है प्रखंड अध्यक्ष जो है वो भी इस्तीफा दे रहे हैं, शेष जो कुछ बचा है वो भी इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। जो उम्मीद की किरण थी यहाँ उसका उम्मीद का किरण नहीं है। ए टू जेड की पार्टी क्या बोलते हैं? ये कुछ ए टू जेड की पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद में ही सिमटा हुआ। अगला का बात है राजनीति करते हैं, हमसे बहुत आदमी उम्मीद किए हैं आशा किए हैं, उसकी नई तैयारी हम लोग करेंगे, सोचेंगे, हम लोग बैठेंगे विचार करेंगे इसके संबंध में। अब आप लोग जिनको समर्थन कर रहे हैं, समर्थन करने की अभी कहीं कोई बात नहीं हो रही है। अब हम लोग फ्री उनके साथ हम लोग थे, जिला उपाध्यक्ष थे हम, आज जिला उपाध्यक्ष के पद से हम इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा दे के हम फ्री हो रहे हैं। समाजवादी मूलक के विचार हैं, अब फिर समाजवादी विचारधारा के हैं, समाजवादी को हम लोग जो फिरकाप्रस्त ताकत के विरोध में काम करने आए थे। रही बात अगर कहा जाए तो पप्पू यादव को कहिए इसको अभिमन्यु बना दिया, पप्पू यादव को अभिमन्यु बना दिया, और अभिमन्यु बना के उसकी जो हत्या की साजिश किया गया। और देवेंद्र प्रसाद यादव जी आए थे तो अभिमन्यु को संरक्षण, अब हम लोग भी सोचेंगे, लेकिन पप्पू यादव वो क्या कहते हैं द्वापर के अभिमन्यु नहीं है, ये कलयुग की अभिमन्यु है। अगर ऐसा सोचे हैं तो उसका सोचना शायद सफल होना संभव नहीं है।